अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी फैमिली व्लॉग्स। ये है व्लॉग नंबर 9। आज है 30 अक्टूबर और सुबह के बज रहा है और सुबह के हो रहे 7:30। हुस्ना गई है संग स्कूल को छोड़ने के लिए और मैं कर रहा हूँ नाश्ता। आज नाश्ते में बना है दलिया का स्पाइसी मसालेदार उपमा। मैं नाश्ता करके जाऊँगा कॉलेज को, तो बनिए रहेगा हमारे साथ एंड तक। आज हमारे कलीग स्टाफ का बर्थडे था तो स्टूडेंट्स ने और हमने मिलकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया है। भाई 38 वाला नहीं है? 38 वाला ये 50 का डब्बा। फ्रेंड्स, मैं आज कॉलेज से जल्दी आ गया हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। रात का खाना कमाल कर गया। मेरे पेट में बहुत गड़बड़ हो गई, पेट में दर्द हो रहा था, तो मैं आज गेट पास लेकर अभी जस्ट आया कॉलेज से 2 बजे। देखते हैं कि ऐसे नगर क्या कर रहे। और साथ में आते वक्त मैंने लाया है दही, साथ में बनाऊंगा लस्सी और लस्सी पियेंगे। बहुत ज़्यादा हीट है बाहर। फाइनली मेरी लस्सी आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनी है। फिर पूरा ख़त्म करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। असर की नमाज़ पढ़ी है, चाय पी रहे, अब जाएंगे ग्राउंड को। फ्रेंड्स, मैं आऊँ ग्राउंड पे, ऐसा गया है प्रैक्टिस के लिए। मैं लगाऊंगा अपने 3 चक्कर और उसके बाद जाऊंगा घर। जाते वक्त थोड़ी सब्जी भी लेनी है, वो भी लूँगा, फिर घर जाऊंगा। बैग ब्रेड का पैकेट दो तो। फ्रेंड्स, हो गई है मेरी मगरिब की नमाज, मैं अर्क लेकर बैठा हूँ, साथ में तिलावत भी चालू है। और मैं आते वक्त ब्रेड लेकर आया था क्योंकि एहसन ने फरमाइश की उसे गार्लिक ब्रेड या फिर सैंडविच खाना है, तो वो बनाऊंगा और एहसन को लेने जाऊंगा। और यहाँ पर ये अली खा रहा है एप्पल। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 2 ब्रेड के स्लाइसेस पे लगाया बटर और 2 पे मैं लगाऊंगा ये पिज़्ज़ा सैंडविच स्प्रेड लगाऊंगा इसके ऊपर। आप थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस भी इस पर लगा सकते हैं, मैं भी लगाने वाला हूँ। फिर उसके ऊपर आपको जो टॉपिंग डालना है जैसे प्याज टोमेटो कोई भी चीज़ डालना डाल सकते हैं। फिर उसके ऊपर ही ऐसे रखेंगे और ग्रिल करेंगे। फ्रेंड्स, सारे ब्रेड के पीसेस को मैंने बटर लगाया है और 2 के ऊपर मैंने लगाया है ये सैंडविच स्प्रेड और उसके ऊपर मैंने रखा है ये टॉपिंग्स खीरा और टोमेटो। आप चाहे तो प्याज भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ओरेगानो, मिक्स्ड हर्ब्स और चीज़। और ये जो 2 बाकी के ब्रेड के स्लाइसेस है इसके ऊपर रखेंगे और ग्रिल करेंगे। ये आ गया है एहसन। अस्सलामुअलैकुम, हाउ वाज योर डे? सैंडविच को मैं ग्रिल होने के लिए अवन में रख के गया था एहसन को लाने के लिए। एहसन को लेकर आया हूँ और देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ये सैंडविच मेरे, बहुत टेस्टी भी थे। तो चलिए अभी इसे खाते हैं। क्या कर रहा लू? हाँ, ये रात होने बाद चाइनीज लैंग्वेज में बात करना बंद कर दो। डिनर के बाद दोनों बच्चों को लेकर बाहर आ गया था टाइम पास करने के लिए। रात होते ही अली कुछ अजीब तरीके से बड़बड़ करने लगता है, जैसे कोई चाइनीज़ में बात कर रहा है। तो उसे मैं बता रहा था कि तू शाम में चाइनीज़ लैंग्वेज बात करना बंद कर दे। अली रास्ते पर है बेटा।
दिन तो अंदर से बेटा तय देखो उन्हें बाहर जा रहा फ्रेंड्स आज का दिन कंप्लीट हो गया है। कॉलेज में बहुत ही बोरिंग डे था, 3 लेक्चर एक प्रैक्टिकल, टोटल 5 घंटे का लोड था, फिर बहुत सारा काम था, तो बड़ा ही बोरिंग डे था आज का। जैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है और मैं चला हूँ घर। फ्रेंड्स बज रहे 4:30, मैं अभी आया हूँ कॉलेज से, घर में चल रही थी साफ़ सफाई, अभी ये पूरा पसारा यहाँ से वहाँ तक ऐसे पड़ा है, अभी सब लगाना है। मैं नहीं लगाऊंगा, उसने लगाएगी। मुझे जाना है मार्केट को कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए, तो आज मैं ग्राउंड पर नहीं जाऊंगा और मैं जाऊंगा मार्केट। ऐसा बेटू ग्राउंड को जाता है कि मेरे साथ आने वाला है तू मार्केट को? आता मार्केट को? नहीं। ग्राउंड को जाता? नहीं। हम्म, नहीं। फिर अरे पागल, मैं मार्केट को जाने वाला हूँ तो तू मेरे साथ मार्केट को आएगा क्या ग्राउंड को जाएगा? मार्केट को आता। चलो उठ जल्दी फिर। तो फ्रेंड्स ऐसन भी आज ग्राउंड को नहीं जाएगा, ऐसन मेरे साथ आएगा मार्केट को, क्योंकि उसको छोड़कर तो जाऊंगा लेकिन लाने के लिए कोई नहीं, आज हुसैफा भी नहीं है घर पर, तो आज उसको ग्राउंड को छुट्टी करा रहा हूँ और मेरे साथ उसे मार्केट लेकर जा रहा हूँ। चल जल्दी। फ्रेंड्स हम आ गए हैं मंगल बाज़ार, यानी हफ्तेवारी बाज़ार जो होता है सोलापुर का, वो होता है मंगल के दिन, तो हम आए उस मार्केट को। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, खाने की, पहनने की, इस्तेमाल की, यहाँ पर खरगोश भी बिक रहे थे, तो इस मार्केट में आप सब कुछ मिल जाएगा आपको। जैसे कि फ्रेंड्स हम आए हैं शाम के वक्त पर, दिन ढलने के वक्त पर, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है मार्केट में, वरना दिन के वक्त में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि चलना फिरना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर क्रैब्स भी बिक रहे थे, हम तो खाते नहीं हैं लेकिन ऐसे में बहुत शौक होता है क्रैब्स देखने का, तो ये मैं उसको क्रैब्स दिखा रहा था। एक अजीब शौक है मुझे फिश खरीदने का, भले मैं खाऊं या ना खाऊं लेकिन मुझे फिश खरीदना बहुत पसंद है, तो फिश मार्केट के पास आया हूँ और फिश ना खरीदो ऐसे हो ही नहीं सकता, तो मैंने लिया है हलवा फिश, भले ही कम लिया है, 1 किलो लिया है सिर्फ, लेकिन मैंने लिया है। नमाज के बाद तफसीर चल रही थी कलाम पाक की, तो थोड़ी देर में बैठ गया तफसीर सुनने के लिए, लेकिन ज़्यादा देर नहीं बैठ सका क्योंकि मुझे आगे और बहुत सारे काम थे। मैं अंदर बैठा था तफसीर सुनने के लिए, एहसन उसके नाना के साथ चला गया उनकी दुकान पर। यह है एहसन के नाना की कपड़ों की दुकान, वाइट कलेक्शन, और उसके नाना और वो बाहर खड़े हैं। रास्ते में दिख गई ये पतंग की दुकान, तो एहसन जिद करने लगा कि उसे पतंग चाहिए, तो मैंने उसको दिलाया पतंग, साथ में मांजा और एक चकरी। तो फ्रेंड्स आते वक्त आपने देखा कि मैंने एहसन के लिए लिया था पतंग, तो उसका वो मांझा उसको उसके चकरी पे लपेट कर दे रहा हूँ। वैसा ना मेरे को पतंग उड़ाने आता है ना उसको आता है, लेकिन लिया जिद करके, अब वो उड़ा कर देखेगा। कैसे उड़ाने वाला तू? लाते पूरा मांझा नीचे फेंक जाए इसमें, वो फिर उत्ताड़ा हो जाएगा, तो उसको मैं इसे खोल कर ये चकरी पर उसे लपेट कर देता हूँ। तो इस सालन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये प्याज भून रहा हूँ,
और ये यहाँ पर सूखा नारियल को मैंने ऑलरेडी खींच कर भून लिया है। अब इसमें डालेंगे ज़रा सा कोथिंबीर और यहाँ पर ये गोश्त, यहाँ पर गोश्त गल रहा है और ये यहाँ पर मछली साफ हो गई है और इस पर अब लग रही है हल्दी और मिर्ची। इसको हम मसाला लगा के मैरिनेट करके रख देंगे, कल बनाएंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स मछली अच्छे से साफ़ हो गई है, इसको मसाला लगा दिया उसने और यहाँ पर ये मेरा गोश्त का लिए, गोश्त के लिए जो मसाला बनाना था वो भी तैयार है। भुना हुआ नारियल, थोड़ी सी कोथिंबीर, एक टमाटर और ये प्याज और तिल है, इसको मैंने अच्छे से तल लिया है। अब इन सारे चीज़ों को पीसेंगे तो इसका मसाला बन जाएगा, बस इसको बघार देंगे और गला हुआ गोश्त डालेंगे। और ये मेरी गुड़िया यहाँ पर खेल रही है। आयु बच्चा, ये बच्चों क्या खा रहा है? अभी मैं खा रहा हूँ। कौन दी तेरे चिक्की है? नाना। ऐसा नाना पास गया था उसके, तो नाना ने उसको चिक्की दिलाई, वो चिक्की खा रहा है। फ्रेंड्स मार्केट से आते वक्त मैं जवारी लेकर आया था, क्योंकि मुझे जवारी की रोटी बहुत पसंद है, तो हम आए अब जवारी पिसाने के लिए, तो उसका आटा बनाकर हम लेकर जाएंगे। अब गरम कर लिया है, अब इसमें डालेंगे दो तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, चार से पांच काली मिरी, तीन से चार लौंग और थोड़ा सा स्टार फूल और दो चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, वगैरह की हल्दी और दो चम्मच भरकर लाल मिर्च। अब इसमें डालेंगे तैयार किया हुआ मसाला, मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसमें डालेंगे हम नमक, अब इसमें डालेंगे गलाया हुआ गोश्त, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर उसके लिए इसके बाद 5-10 मिनट के लिए थोड़ी देर तेल में पकाएंगे, 10 मिनट तक पकाएंगे। और ये उसना यहाँ पर रोटियाँ बना रही है, और बेचारी ने रोटी बनाने के चक्कर में चूड़िया भी उतार दी है। अम्मी कपड़े से लगाते पानी उसको। यहाँ पर रोटी बन रही है और यहाँ पर सालन भी ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अरे उससे पहले की बहुत अच्छी पूरी थी। कल सुबह के लिए मैं डोसे बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने चावल भिगा के रखा था, अब इसे मैं पीस कर फर्मेंट होने के लिए रख दूंगी। फ्रेंड्स सुषमा रोटियां बना रही है, सालन बन चुका है, चावल बन चुका है, तब तक मैं पिछला वीडियो एडिट करता हूं, क्योंकि मुझे कल उसे अपलोड करना है। फ्रेंड्स ये मस्जिद का बोर्ड है जहां पर मैं हिसाब किताब पूरा लिख कर लगाता हूं, तो आज 31st है, तो ये जो गुजरा महीना है उसका पूरा हिसाब मैं अभी यहां पर लिख कर लगाऊंगा, तो मंथली कितना इनकम आया है और कितना खर्चा हुआ है उसका पूरा डिटेल यहां पर मैं लिख कर लगाता हूं।
ये टोटल इनकम है दुकान का, जो किराया आता है या फिर जो चंदा जमा होता है उसका ये पूरा ये इनकम है। और ये लाइट बिल सबका पेमेंट देकर जो भी किरकुल खर्चे पूरा खर्चा सब मिलाकर कितना हुआ है वो खर्चा यहाँ पर है। तो ये जमा और ये खर्च दोनों का टैली करके जो आता है वैल्यू वो पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन लिख कर लगाता हूँ, और उतना अमाउंट बैंक में जमा करके उसका रिसिट कि इतना बचा था तो इतना मैंने बैंक में जमा कर दिया है वो यहाँ पर ऐसे लिख कर लगाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले 5-6 साल से ये पूरा काम मैं कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे अब्बा करते थे, अब अब्बा वफात कर गए तो उसके बाद से ये मैं कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे मौत के करने की तौफीक दे। आप सब भी आमीन कह देना। चलो कुर्सी रख करो जल्दी। तो ये मेरा हिसाब लिख कर हो गए फ्रेंड्स। रात के बज रहे हैं 11, तो चलिए अब घर चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है, कल कॉलेज के लिए भी जल्दी उठना होता है सुबह में। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से बीते हमारे पिछले 2 दिन। उम्मीद है आपको हमारे 2 दिन का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल एजी फैमिली व्लॉग्स को ज़रूर बज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।